कि इतनी ज्यादा एडवांटेजेस हैं, स्पेशली आज के दौर में, कि जो लोग इंजेक्शन से डर रहे हैं, जिनको वैक्सीन हेजिटेंसी है, उन लोगों के लिए ये वैक्सीन एक बून है, हम एक ब्लेसिंग है फॉर डॉक्टर कम्युनिटी, फॉर मेडिकल कम्युनिटी। तो इसके और भी एडवांटेजेस हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है कंपेयर टू, जैसे आपके इंजेक्शन आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको मेंशन किया कि इसकी जो रेफ्रिजरेशन है इट इज इजी, तो आपको इतना स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी नीडल्स में अवॉइडिंग होती है तो पेशेंट इज मोर एक्सेप्टेबल। तो एफिकेसी एंड डोजिंग इन्होंने अभी तक प्रिंट आउट नहीं करी है, फेज थ्री जैसे द ट्रायल्स हैव बीन कंप्लीटेड बट डेटा हैज नॉट बीन पब्लिश, तो एग्जैक्ट डोजिंग कितनी है वो अभी किसी को पता नहीं है, बट इन्होंने बोला है कि दो डोज में निकलेगी एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल एज अ बूस्टर, दैट इज वॉट इट हैज कम आउट टू बी। तो उम्मीद तो बहुत ज्यादा है और बहुत ही अच्छी बात है कि भारत बायोटेक ने ये डेवलप करी है विद वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी एंड इंडिया में अप्रूव हुई है, सो दैट्स अ ग्रेट ग्रेट बोन एंड अ बिग स्टार्ट फॉर आवर कंट्री। अच्छा डॉक्टर चंद्रा, ये भी बताएं, जैसे कि अभी आपने यहाँ पर बताया कि जिन लोगों को इंजेक्शन से डर लगता है उनके लिए तो कह सकते हैं कि उनको तो एक बूस्टर यहाँ पर मिल गया कि चलो इंजेक्शन नहीं लगवाना है क्योंकि ये तो नाक से दी जाएगी यहाँ पर। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है लगवा चुके हैं, दोनों डोज लगवा चुके हैं, क्या वो भी एहतियात के तौर पर इसको ले सकते हैं, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि कोरोना में तो ये काम करेगी ही, इसके अलावे भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके रोकथाम कर सकती है। जी बिल्कुल, इसका अभी जो डेटा इन्होंने प्रिंट किया है कि इन्होंने जो कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड प्लस बूस्टर पेशेंट्स थे 31,000 पेशेंट्स थे वर्सेस इन्होंने 875 पेशेंट्स आपके सिर्फ नेजल में लिए हैं।